हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई फैशन एंड लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है। मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि आज है चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी बोला जाता है, जो मंथ में आती है एक बार, तो बस उसी की पूजा चल रही है। क्योंकि मैं हर महीने की चतुर्थी उपवास करती हूँ, तो मैं इसका ऐसा पूजा बिठाती हूँ, तो बस वो पूजे की तैयारी चल रही है। आज का मेरा ये रूटीन है, मतलब आप लोग के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं अपना ऑफिस और मतलब मेरी पूजा वगैरह जो होती है घर का, कैसा मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि मुझे 10:30 अपने ऑफिस टच भी होना है, इसीलिए तो मैं आज जल्दी उठ गई थी। आज मैं उठी थी 6:00, क्योंकि मुझे सारी पूजा की तैयारी करनी थी, इसीलिए। तो देखिए, मेरी सारी पूजा की तैयारी हो गई है। पूजा की तैयारी मतलब ये पूरा मुझे तैयार सजाना होता है। तो गणेश चतुर्थी में ऐसा होता है कि जो मंथली पार्ट्स आते हैं इसमें, तो वो पढ़ती हूँ मैं उसमें, और गणेश चालीसा का पाठ करती हूँ। ये सब मेरी पूजा होती है। ये चीकू मेरे साथ ही उड़ गया था आज। ये मेरा लाडला है, ये छोटा लाडला, बड़ा लाडला सो रहा है। मैं 6:00 से उठी हूँ, तो 6:00 से मेरे साथ उठा हुआ है और मैं कंटिन्यू मेरे साथ पूजा में बैठा हुआ है। वो आ रहा है, जा रहा है, पूजा कर रहा है और सब कुछ। मैं घंटी बजाऊँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं आरती घुमाऊँगा, सब वो कर रहा है। 1.5 साल का, बट वो बहुत मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़े जैसा करता है वो, तो उसका बिहेवियर वैसा ही होता है, बहुत मस्ती करता है वो। तो देखिए, मैं भी बैठी हूँ, तो मैं घंटी बजा रही थी, तो मुझे भी चाहिए बोल रहा था वो। तो ये सब मेरी पूजा थी, और ये पूजा के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं, इसलिए सारा प्रिपरेशन करना पड़ता था, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई थी। तो यही था मेरा, और मुझे इसके लिए 2 घंटे लगते हैं पूजा करने के लिए, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था और ऑफिस भी जाना था। तो ये दोनों टाइम कैसे इन्हें मैनेज हो जाना चाहिए, मेरी पूजा भी हो जानी चाहिए और मैं टाइम पर अपने ऑफिस भी पहुँच जाऊँ। देखिए, मेरी आरती वारती सब हो गई थी, और आरती होने के बाद में सब मतलब चल रहा था पूजे का, ये वापस से आ गया मुझे भी आरती दो बोल के। और ये मैं हर महीने करती हूँ, मतलब मेरे घर पे सभी का फास्ट होता है चतुर्थी का, और हम सभी लोग करते हैं ये फास्ट, सिर्फ पापा को छोड़ के। और मेरी दीदी लोग का भी फास्ट होता है, और इस फास्ट में ना चांद देख के उपवास को छोड़ा जाता है। तो देखिए, मैंने अपने पूजा को किस तरीके से तैयार करके रखा हुआ था। जय गणेश भगवान जी। तो अब मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब हो गया, मेरे 2 घंटे हो गए थे, मतलब 9:30 बजने में आ गया था। तो मैं फटाफट रेडी हो रही थी घर पे, अभी भी सब लोग सोए हुए हैं, और मैं आज जल्दी उठ गई, मम्मी और मैं आज जल्दी उठ गए थे, और चीकू जल्दी उठ गया था आज रात में। ऐसे उसका नाम गर्वित है, हनी भी है और प्रज्ञान भी है, बट हम लोग उसको प्यार से चीकू बोलते हैं, मैं उसको बबली बोलती हूँ। तो बस तैयार हो गई थी मैं जल्दी से, और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मम्मी ने आज टिफिन में मुझे साबुदाना ही बना के दिया था, साबुदाना और चिप्स बना के दिया हुआ था। तो यही था, मैं फटाफट नाश्ता कर रही हूँ। और मैं आप लोग से भी बोलूँगी, आप जब घर से बाहर निकलते हो ऑफिस के लिए, तो कुछ ना कुछ नाश्ता करके ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये लंच तक के लिए हमारे सेफ रहता है। तो नाश्ता मेरा हो चुका था, अब नाश्ता होने के बाद मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए, शूज़ पहन रही थी, तो देखो वो पहले से सैंडल पहन के रेडी है, और उसको जाने, मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो उसको एक चक्कर लगाना ज़रूरी होता है, मतलब एक पारोनी कराना ज़रूरी होता है। तो वो देखिए, वो पहले से रेडी हो चुका है, अपनी मम्मी को बोल रहा है आप भी चलो, आप भी चलो। मैं रेडी हो रही हूँ, शूज़ पहन रही हूँ, तो अब ये देखो मेरे को लाने के लिए, मतलब मोबाइल वगैरह सब ला के देता है मेरे को। तो मैं निकल रही हूँ अभी ऑफिस के लिए। आज उसको मैंने पारोनी नहीं कराया था, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो जाया रहता था, इसीलिए, क्योंकि मुझे टाइम पे ऑफिस भी पहुँचना था, मुझे 3:30 बजे टच होना था, क्योंकि हमारी पंचिंग होती है, इसीलिए तो टाइम पे पहुंचना ज़रूरी था। तो मैं निकल रही थी अभी ऑफिस के लिए, और देखिए मैं पूरी सेफ्टी के साथ जाती हूँ ऑफिस, हेलमेट वगैरह लगा के, मास्क वगैरह पहन के, स्कार्फ वगैरह बांध के, मतलब प्रॉपर पूरी सेफ्टी के साथ जाती हूँ, क्योंकि आजकल का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि कुछ बोल नहीं सकते। मुझे ऑफिस जाने के लिए हार्डली 20 मिनट्स लगता है, 20 to 25 मिनट्स। तो मैं पहुँच गई हूँ अभी जॉब पर अपने, अब पूरा तो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो चलिए मेरा लंच टाइम भी हो चुका है, तो अब मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी। मेरे सारे फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग बैठ के अभी लंच कर रहे हैं। इसका भी फास्ट था वैदेही का, ये शीतल थी, सोनिया एंड मैं, हम लोग सब लंच वगैरह कर लिए, टी टाइम वगैरह हो जाता है हमारा। देन 8:00 हमारी 7:30 to 8:30 छुट्टी हो जाती है, तो हम लोग निकल गए थे अभी वहाँ से, और मैं निकल गई थी अभी ऑफिस से, और ऑफिस से मैं निकल रही हूँ अभी घर के लिए। और देखिए मेरे इधर का रास्ता कैसा होता है, और बहुत
एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। तो वही फिर अभी अभी लॉकडाउन लग चुका था, मतलब लग गया है आज से, मतलब कल से लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी खाने की, और मुझे कुछ शूटिंग शूट के लिए भी लगता है कुकिंग के लिए, तो ये सब सारा मैंने खरीद के लेकर आई थी। और घर पे बच्चे लोग भी हैं, तो बस खाना पीना तो शुरू ही रहता है। तो चलिए मैं पहुँच गई थी अभी घर। घर पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले आके बाथरूम में जाती हूँ, बिकॉज़ मैं जल्दी फ्रेश हो जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ, क्योंकि कैसे घर पे बच्चे लोग हैं तो मतलब पूरी अब क्या बोलते प्रिकॉशंस लेना होता है सेफ्टी अपने साथ, क्योंकि हर अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि कुछ बोला नहीं जा सकता। तो चलिए अब चलते हैं चांद देखने। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ ऊपर चांद देखने के लिए। बहुत थक गई मैं, चढ़ते चढ़ते थर्ड फ्लोर पे चढ़ना पड़ा है। तो मैं अभी आई हूँ चांद देखने के लिए, बट आज दोपहर में शाम को बहुत बारिश हो रही थी, तो बदली ऐसी वजह से चांद बादल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, पूरा काला काला बादल दिखाई दे रहा है। और चांद का टाइम था वैसे तो 10 बजे का, बट अभी तो 10:05 कुछ तो भी हो रहा है, 10:05, 10:06 ऐसा कुछ हो रहा है। तो सोचा देख के आ जाओ ऊपर, बट अभी तक चांद निकले नहीं हैं। और ऐसा होता है ना कि चतुर्थी में चांद देख के ही भोपाल छोड़ते हैं, बट अभी टाइम तो हो गया है और चांद अभी दिखाई तो दे नहीं रहा है कहीं पे। तो अभी कर लेते हैं पूजा, अब चांद का टाइम हो चुका है बट अब दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं अभी। बट क्या, दिख जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये देखो टेरेस के ऊपर से नज़ारा क्या मस्त दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम साइलेंट माहौल सा, और इतना अंधेरा अंधेरा है और सब साइलेंट माहौल लग रहा है एकदम मस्त सा। तो ये देखिए पूरा मस्त नज़ारा लग रहा है, एक नंबर। बट चांद मामा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो निकल ही नहीं रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं पूजा। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो फिर चांद तो दिख नहीं पाया था। तो अभी टाइम हो गया था, 10:30 का टाइम था, मम्मी ने बताया था। तो अभी 10:35 हो रहा है, 10:36 हो रहा था, तो हम लोग ने फिर पूजा कर लिए थे। और ये ऐसे चांद देख के पूजा करना होता है, तो सब आरती वारती कर रही थी मम्मी, तो हम लोग मिल के पूजा कर लिए थे। और आज खाने में बना था फास्ट स्पेशल, तो बस वही था कि मतलब जीरा राइस बना हुआ था, पापड़ था, भजिए थे, रोटी थी, सेवई की खीर बनी हुई थी, कड़ी, मसाला बैगन, और बस यही मेरा खाना था आज का। और रात को बहुत लेट हो चुका था, तो मैं वीडियो क्लोज़ नहीं कर पाई थी, तो मैं मॉर्निंग में क्लोज़ कर रही हूँ। तो क्लोज़ करने के पहले बता दूँ कि मैंने कल जो पूजा बिठाई थी गणेश जी की, तो वो उठा रही हूँ अभी मैं। तो यही सब मेरा रूटीन होता है। और सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, जॉब पर भी बहुत थक गई थी और घर पर आई तब भी बहुत थक चुकी थी। तो चल, हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज वीडियो, मतलब मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो क्लोज़ नहीं किया था, मतलब एंड नहीं किया था, तो मैं आज मॉर्निंग में उसे क्लोज़ कर रही हूँ। तो कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और मैं बहुत थक गई थी कल। एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा रश थी मेरे ऑफिस में, तो बहुत थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आई, जस्ट पूजा वगैरह करी, आपने देख ही लिया सब कुछ, और उसके बाद खाना खाई। और खाना खा के मैंने कल कुछ भी काम नहीं किया, ना यूट्यूब का किया, ना रील्स का किया, कुछ भी नहीं किया, ना कोई एडिटिंग करी, कुछ भी नहीं करी। और फिर वैसे ही खाना खा के मैं सो गई थी, बहुत नींद आ रही थी मेरे को और बहुत थक गई थी, लिटरली सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सो गई थी। तो मैं वीडियो क्लोज़ नहीं कर पाई थी, तो सोचा मॉर्निंग में कर लूँगी। तो मॉर्निंग में फिर मैं वही, अब मैंने कल जो पूजा बिठाई थी गणपति की, चतुर्थी की, जो मैं कलश रखती हूँ पूजा का, तो सोचा उसी में ही अब एंड कर लूँगी। तो मैं अभी पूजा उठा रही थी, तो वो थोड़ा सा क्लिप लिया कि मैं कैसे पूजा अपनी उठाती हूँ। और उसके बाद देखते हैं, अभी मैं आपको और कुछ बताने वाली थी एक्चुअली, बट अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यही एंड करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो की आप मेरी वेट करिएगा, और मैं फिर आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे कौन आया हुआ है और हम लोग कितनी मस्ती करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना प्लीज़। और अपना बहुत सारा प्यार रखना, ऐसे ही सपोर्ट करना, ताकि मतलब
मेरी वीडियो और अच्छी 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 बनती जाए और मुझे मोटिवेशन मिलती जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय साईं राम। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सेफ रहिए। बाय बाय।